तो स्वागत है आपका इस सीरीज के तीसरे मैच में, तीसरे T20 सीरीज में। भाई कैसे हो आप लोग, कमेंट करके जरूर बताओ। और हम खेल रहे हैं अपना इस T20 सीरीज का तीसरा मैच। दो मैच खेले, बहुत बुरी तरह हारे। एक में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया फिर भी हार गए, दूसरे में तो बहुत ही परफॉर्म किया वो भी हार गए। और ये हमारे लिए है करो या मरो की स्थिति, मतलब डू और डाई सिचुएशन। ये दो मैच हमें जीतने ही पड़ेंगे, और सीरीज जीतने के लिए तो अब तीनों मैच जीतना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैच जीतने के लिए भाई हमें टॉस जीतना पड़ेगा। पहले बैटिंग करके तो हम नहीं जीत पा रहे हैं, हमारे साथ यही दिक्कत हो रही है कि हम टॉस हार रहे हैं, और टॉस के बाद हमें पहले बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, टारगेट हम अच्छा दे भी नहीं पा रहे हैं। और केएल राहुल जा चुके हैं, आ गए हैं ऋषभ पंत। पिछले दो मैचों में हमने खिलाया था केएल राहुल को, हमें नहीं पता था क्योंकि हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे। और फाइनली भाई टॉस जीत गए, करेंगे पहले बॉलिंग। और हमने किया है काफी सारे चेंजेस अपनी टीम में। हम लोग नहीं खिला रहे थे हार्दिक पांड्या को, उनको लेकर आए। हम लोग नहीं खिला रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ को, हम लोग उनको लेकर आए। हमने भुवनेश्वर कुमार को हटाया है और उमेश मलिक को लेकर आए हैं। मैं अगर नाम गलत बोल रहा हूं तो प्लीज माफ कर देना। और ये है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज का हमारा तीसरा मैच, और ये है इस मैच की पहली बॉल। आ गए हैं कप्तान साहब पहली बॉल फेस करने, और भाई कटक से हार के आ गए हम विशाखापट्टनम। ये पहली बॉल पे मारा है, शॉट मिलना चाहिए, एक ही रन नहीं दो मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। दो के लिए भाग भी बैठे हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो गई है, और पहली ही बॉल पे आया है दो रन में। दोनों ही मैचों में हाफ सेंचुरी बनाई है, और ये सीधी बॉल और विकेट के ऊपर से मारा है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव शॉट। हो गया ये मैच का पहला चौका, और भाई आया भी है और एज लगा है। और एफआरई तो किस्मत ही इतनी पांडू रही है, क्योंकि एज पे कभी कैच आता नहीं है, हमेशा चौका ही जाता है। और पहला ओवर और उठा के मार दिया भाई फ्री हिट पे, और ये जाएगा वन बाउंस एंड फोर। ये भी उठा के मारा है, इस बार बहुत बढ़िया शॉट, गैप में है, दोनों फील्डर भागते रहेंगे, लेकिन दोनों के बीच में से आएगा चौका भारी में यहाँ पर। लेकिन पहली ही बॉल पे दिलवाया है चौका, और स्वागत किया है एकदम कप्तान ने कि आओ चौका मारते हैं। कि तीसरी बॉल आ चुका है एक चौका, और ये भी आएगा। मेरे ख्याल से चौका नहीं आना चाहिए, अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं बोला था, कर नहीं पाए, और यहाँ पर भी आया ही होगा। और ये भी आगे बढ़ के बहुत ही बेहतरीन शॉट भाई। चौथी बॉल, अभी तक तो डॉट बॉल जा ही रही थी, जैसे ही बोला के डॉट बॉल जा रही है, आया है चौथी बॉल पे चौका। तो हमें अच्छी ओपनिंग साझेदारी नहीं मिली, यहाँ पर भी आया है चौका, और कैच के लिए गए हैं, वहां पर भी दबा दिया और मिल गई है सफलता। बहुत ही बढ़िया विकेट भाई, बोला है बिश्नोई आते हैं दिलवाते हैं विकेट। वर यहाँ पर नहीं जाएगा भाई, जब डसन है तो डस देंगे, लेकिन विकेट नहीं, मेड इन नहीं जाएगा। आखिरी बॉल पे आया है चौक, 20 बॉल बनाए 31 रन, हवाई फायर दोनों फील्डरों के बीच में से, क्या जाएगा चौका। अबे हाथ तो लगा, पैर लगा, कोशिश तो कर रोकने की। बढ़िया स्वीप शॉट, फुल बॉल करवाई थी बिल्कुल, यॉर्कर डिलीवरी, आखिरी बॉल पैर चौक। Great timing, right off the meat of the back. कहां करें, कहां लेके जाएं? आखरी बॉल पे अच्छा पुल शॉट मारा है वहां पर, और जाएगा चौका, बहुत ही भारी ओवर गया है, 13 रन आए इस ओवर से। ओवर की पहली बॉल यहां पर कर, बोल्ड हार्दिक पांड्या जब भी आते हैं विकेट दिलवाते हैं भाई, क्या बॉल करवाइए। बाउंसर एज लगा सीधा विकेटों पे, और मिली है सफलता। और इसी के साथ हाथ खोलने का दिया मौका, और मकरम ने मारा है चौका, उठा के तो मारा है, फील्डर होगा वहां पर चौक। अरे, और इसी के साथ डिकॉक की एक और हाफ सेंचुरी, तीन मैच तीनों में हाफ सेंचुरी। डिकॉक अलग ही खेल रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। यहां पर 32 बॉल बनाए 51 रन, 8 चौकों की मदद से, और 9 रन तो आए लेकिन एक चौका भी आया। यहां पर कैच के लिए आ गया है, कैच भी दबा दिया है, और यहाँ पर एक और विकेट, तो हार्दिक पांड्या आए, दो विकेट दिलवा दी। डिकॉक जो थे बहुत ही घातक साबित हो रहे थे, बहुत ही डेंजरस थे हमारे लिए, उनको अब जाना होगा पवेलियन की तरफ, मारना चाह रहे थे। हाफ सेंचुरी जैसे ही कंप्लीट करी, हाथ खोलने का दिया और मौका, वहां पर अच्छा डीप पे कैच, और यहाँ पर मिला ही एक और सफलता। हार्दिक पांड्या की दूसरे ओवर की पहली बॉल, लेकिन ये थी फुल टॉस, वहां पर भाग तो रहे हैं लेकिन जाएगा सिक्स, क्योंकि सामने की तरफ मार है, क्योंकि हमने फील्डिंग तो क्लोज रखा था, और आया है चौका इस ओवर में। यहाँ पर भी उठा के मारा है, कैच के लिए बोला है, और क्या कैच के लिए आएगा
ये दबा दिया है। और यहाँ पर भी एक और विकेट, एक और विकेट यहाँ पर भी मकरम हुए हैं आउट। फेस करेंगे ये आखिरी बॉल, ओवर की उठा के तो मारा है यहाँ पर, और क्या रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। और आखिरी बॉल पे भी आया चौक, ये भी बढ़िया शॉट है, लेकिन वहाँ पर फील्डर है और भागना चाह रहे हैं, भाग भी लिए हैं, वहाँ पर भाग सकते हैं। और बढ़िया भाई रन आउट भी कर दिया है, यहाँ पर अपील तो करिए, थर्ड अंपायर के लिए गए हैं, क्लोज जा सकता है मेरे ख्याल से। और मिल गई है एक और सफलता, जाना होगा यहाँ पर, भाई सामने की तरफ मारा है, बोला है भाई जब तक आते हैं ना, और रोकते नहीं है भाई, हमारे फील्डर रोकते नहीं, बोलते जाने दो हम बना लेंगे। ये पीछे की तरफ मार देगा, मेरे को लग ही रहा था। बॉल यहाँ पर भी सुई, बढ़िया बढ़िया शॉट भाई, वहाँ पर स्कूप शॉट, और मार रहे हैं भाई, उसकी पूरी दुर्गति हो गई। यहाँ पर भी अच्छी बॉल नहीं थी, ये भी और ये तो उससे भी बढ़िया शॉट मारे। यहाँ पर भी चार बॉले, क्या चार चौके होंगे, अबे फील्डिंग भेंड। 18 रन चले गए भाई इस ओवर में, और 18 का 22 चले गए, थोड़ा सा शांति, एकदम शांति, कोई नहीं, हमारी बारी भी आएगी, हम भी मारेंगे। और मिलर ने मारा उठाकर, और यहाँ पर आया है एक और चौका, इतना रन पिट गए ना आज हमारे, बेमतलब के भैंस की पूछ भाई, रोक ही नहीं पा रहे हमारे फील्डर। आखिरी बॉल देखना होगा कितने का टारगेट देते हैं यहाँ से, यहाँ पर दो रन भागना चाहेंगे, दो रन भाग भी लेंगे, नहीं दो रन भागना चाह रहे, नहीं बचा रहे। और इसी के साथ टारगेट मिला है इंडिया को 195 रन का। हार्दिक पांडे ने लेकिन बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करवाई है भाई, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करवाई है मिलर। और यहाँ पर प्रोड्यूसर हुए हैं नॉट आउट, जाएंगे 195 चाहिए भाई, सब नहीं बॉल, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बढ़िया वहां पर तीन विकेट दिलवाए, एक विकेट दिलवाया रवि बिश्नोई ने, 5 विकेट के नुकसान पे। और हम आते हैं बिल्कुल हर जगह से घुसते हुए बाहर निकलते हैं, अब आएंगे ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ जो खेल रहे हैं अपना इस सीरीज का हमारा पहला मैच, मतलब हम खिला रहे हैं, और आए हैं मकरम भाई। तो पहले फेस करेंगे बॉल ईशान किशन, ईशान किशन फेस करेंगे, पहले ही बॉल पे हो गए आउट। शुरुआत हमेशा हमारी रहती है टट्टी, और बढ़िया स्वीप शॉट आएगा चौका, और बढ़िया शॉट वहां पर, एफर्ट पूरा लेकिन फील्डिंग थोड़ी खराब, आउटफील्ड हो गया हमारे टाइम पे बहुत ही स्लो, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, नहीं होगा मौका। और ये दूसरा चौका भारत की इनिंग्स का, जो ये भी अच्छा शॉट हट के मारा है, पुल मारना चार ना नहीं मारा हमने, सही किया। और यहाँ पर भी आया है चौका, और ये भी चौका भाई, ऐसी बॉलें देंगे ना हमें, हम मारते रहेंगे खड़े खड़े। देखो अब मारेगा शॉट, आएगा शॉट, क्योंकि आया है ये हमारी इनिंग्स का पहला सिक्स, और क्या शॉट मारा है, बहुत ही बढ़िया वहां पर टाइमिंग। और ये भी आएगा चौका का, दूसरे ओवर की पहली बॉल पे मार के हट के मारा है चौका, दो जा रहा है वैसे तो, ये जाएगा ही चौका। और क्या शॉट मारा है भाई, ये जबरदस्त शॉट उठा के मारा है, वहां पर कैच कर लेंगे यार, ओ बच गए भाई, बच गए। इसी के साथ 50 रन भी हुए हैं कंप्लीट, और 50 रन की पार्टनरशिप भी हुई है कंप्लीट, जो बोला था हमने कि दोनों अब बनाएंगे 50 रन, तो आ गए हैं 50 रन, बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप होती है गायकवाड़ और अय्यर के बीच। और ये तो भाई बढ़िया शॉट है, वहां पर टाइमिंग बहुत ही जबरदस्त, और एक और हवाई फायर, ये आया है सिक्स, ओ ये भी चौका, वाह एक और गैप में शॉट भाई, वहां पर होती हुई थोड़ी खराब फील्डिंग। और इसी के साथ 50 रन भी बना लिए हैं अय्यर ने भाई, मात्र 19 बॉलों पे 7 चौके और 2 छक्के की मदद से आए हैं ये बहुत ही जबरदस्त रन, बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए। और यह है ओवर की आखिरी बॉल, अरे भाई क्या हो गया भाई, बढ़िया टाइमिंग हो रही है यहाँ पर, और ये बढ़िया बॉल थी, अब दोनों टिक गए हैं और टाइमिंग अब हमारी दिखने लगी है। कैच दे दिया यार सीधा हाथ में, दिल दुखता है। और ग्रीडी हो गए हम, ग्रीडी, और यहां पर डीके हुए हैं 0 पे आउट।
और हैट्रिक बॉल गई है चौके की तरफ, क्योंकि 6 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। तो पावर प्ले हुआ है समाप्त, बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, आखिरी दो बॉलों पे इतना बुरा हगा कि 2 विकेट चले गए, बीट हुए, लेकिन कीपर भी हुए हैं बीट क्योंकि आया है चौका। एक और विकेट और ये तो मेरे ख्याल से 6 जाएगा। ऋषभ पंत के आते हुए बल्ले से आता हुआ ये शॉट ओवर में, और ये भी सामने की तरफ मारा है शॉट और आएगा चौका और एज, लेकिन किस्मत उतनी ही अच्छी श्रेयस अय्यर की इस बार। ओह हा 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 हा, क्या शॉट मारा है, बिल्कुल स्ट्रेट शॉट। ओह हो 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 हो, भाई क्या बैटिंग कर रहे हैं श्रेयस अय्यर, यही भी अच्छा शॉट। 10 ओवर का खेल यहाँ पर हो गया है समाप्त, तो आधी इनिंग्स का खेल हो गया है यहाँ पर समाप्त, आधी इनिंग्स बची है, वहां पर ओवर थ्रो के मिल गए रन पाई, बहुत ही शुक्रिया भाई जो भी था ये बढ़िया आदमी। ओहो हो 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 भाई देख रहे हो, एक बारी अगर बंदा सेट हो जाए ना तो क्या कर सकता है, और ये तो भाई टाइमिंग थी यार, ये टाइमिंग थी यार। ओह हो हो भाई, अब ऋषभ पंत भी अपना हाथ खोलते हुए और आया है ये भी चौका, लग रहा है जल्दी के मूड में है भाई, टाइमिंग देख रहे हो श्रेयस अय्यर की आज भाई छा गए भाई, और ये भी आया है चौका भाई के बाद इंडिया 178 और 100 रन हो गए भाई श्रेयस अय्यर के, क्या जबरदस्त पारी खेली है भाई, 42 बॉलों पे बनाए हैं ये 100 रन। और ये आया है चौका, ऋषभ पंत को ऐसी बॉले दोगे जाएगा चौका, और हवाई फायर और आया है 6। बोल रहा था मैं तमीज से खेलना चाहिए, लेट खेला हमने, एज लगा सीधा विकटों पे, वो भी मिडल स्टंप में घुस गई बॉल बिल्कुल। ओ बढ़िया शॉट भाई, टाइमिंग कितनी अच्छी थी ये, और ये मेरे ख्याल से चौका जाना चाहिए, चौका 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 और आया है चौका। बचिए 7 रन, यहाँ पर आ गए हैं स्पिनर्स, और जुवरिंदर चहल भाई महाराज हैंडेड द बॉल, दे विल नीड टू कीप इट टाइडी हियर, कैच कॉटन बॉल, कहाँ मैच कहाँ जा रहा था, कहाँ चला गया। रवि हर्षल पटेल आ गए भाई, क्या करें यार, यहाँ से उठा के मार सकते हैं अगर अच्छी बॉल कराएंगे तो। Doesn't beat the infield. Will do. The noise is deafening. Anyone's match. Goes up and over for six. भाई आखिरी बॉल पे हर्षल पटेल ने छक्का मार दिया भाई, और जीत गए हैं ये मैच, और अभी भी इनिंग्स में है, अभी भी है सीरीज में हम बरकरार, क्योंकि अब हो गया है 2-1, मैच यहां पर हो गया है समाप्त क्योंकि हर्षल पटेल ने छक्का मार दिया भाई, आखिरी बॉल पे जीतने के लिए चाहिए 4 रन भाई, छक्के से जितवाया हर्षल पटेल ने भाई, मैं बोल रहा हूँ हर्षल पटेल को दे दो भाई मैन ऑफ द मैच यहाँ पर, और भाई बिल्कुल ज़बरदस्त मैच था, बहुत ही क्लोज मैच था, अच्छा खासा जीत रहे थे, फालतू का रिस्क लिया एंड में, खराब शॉट मारे, खराब टाइमिंग रही हमारी, और हम लोग हार मतलब इतना क्लोज लिया मैच, कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, मैन ऑफ द मैच रहे हैं लेकिन श्रेयस अय्यर, लेकिन भाई जीत के हकदार जो हैं वो हैं हर्षल पटेल जिन्होंने जितवाया है हमें ये मैच आखिरी बॉल पे छक्का मार के। तो इस मैच में इतना ही, ये है हमारा 3रा मैच, अब हमारी सीरीज हो गई है 2-1 से बराबर, नहीं 2-1 से हो गई है, अब हम अगला मैच खेलेंगे जल्दी और कोशिश करेंगे वो भी जीतने की, ताकि 2-2 से बराबर हो और 5वां मैच रहेगा जो रहेगा हमारा फाइनल। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपको पता है कि क्या करना है, लाइक करें, चैनल अच्छा लगता है चैनल पे जाओ वीडियो देखो, अगर लगता है वर्थ इट तो करो सब्सक्राइब यार, करने में क्या बुराई है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।